So, very good evening, everyone. Hope I am audible to you all. Very good evening, Mansi, Sonu, Saurabh Anush. And thank you, Richa, Rajshi. Thank you so much for keeping the patience okay and waiting for me. Thank you so much. And extremely sorry for the delay. Very good evening, all of you. So, Subcoach Audible, Sagnika, Satendra. Very good evening. Sense. Very good evening. Very good evening, all of you. So let us start with the today's topic. Today, actually, the topic we have to discuss is chain rule. What is exactly the chain rule? We'll understand. No doubt some of you will try to recall that what we were doing in unitary method is that the unitary method came out from this chain rule only. We'll understand at all. Very good evening, Pranzali, Vishrut. Very good evening, scientist, and all of you. Okay, so moving further to the topic chain rule, let us understand what is this chain rule. We'll understand this part. In this chain rule, my dear friends, important is the topic will understand the concept and where we use this chain rule that will understand and then we'll understand the questionnaires. But before going for all these things. ई थिंक लास्ट डे आई हैन क्वेश्चन आई मीन टू सेव यू वन क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने सॉल्व किया होगा आपको आंसर आ गया था नो no डाउट टेलीग्राम से भी मुझे खबर आया था मतलब टेलीग्राम में आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था तो टेलीग्राम से भी मुझे खबर आ गया था ओके okay? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हम और उस तरह के क्वेश्चन क्या गेट एग्जाम में आते हैं बहुत बच्चों को यह डाउट होता है कि सर गेट एग्जाम में क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन देखते हैं गेट का पीवाई क्यू है आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन 2011 गेट में यह क्वेश्चन पूछा गया फाइव स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज एट सेमी स्किल्ड वर्कर्स इन 25 डेज टेन अनस्किल्ड वर्कर इन 30 डेज देन ए टीम ऑफ टू स्किल्ड सिक्स सेमी स्किल्ड एंड फाइव अनस्किल्ड वर्कर विल बिल्ड द सेम वॉल इन हाउ मेनी डेज तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है जो आपको मैंने कल क्वेश्चन दिया था ना बिल्कुल वैसे ही करना है ये भी देखिए फाइव स्किल्ड वर्कर तो मैं फाइव स्किल्ड वर्कर को मैं SK लिख रहा हूं पे फाइव स्किल्ड वर्कर कैन डू द बिल्ड द वॉल इन ट्वेंटी डेज मतलब इनका पर डे वर्क क्या होगा वन बाई ट्वेंटी उसी तरह इन्होंने दिया एट सेमी स्किल्ड वर्कर इन ट्वेंटी फाइव डेज तो एट सेमी स्किल्ड वर्कर चलिए सेमी स्किल्ड को मैं एस एस के लिख देता हूँ सेमी स्किल्ड ओके एस एस के ये लोग ट्वेंटी फाइव डेज में करते हैं मतलब इनका पर डे वर्क होगा ओके वर्कर थर्टी डेज में तो इनका पर डे वर्क क्या होगा वन बाय थर्टी ये इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है अब इसके बाद फर्दर इन्होंने क्या बोला कि एक टीम है जिसमें टू स्किल्ड है सिक्स सेमी स्किल्ड हैं और फाइव अनस्किल्ड वर्कर हैं तो वो पूरी टीम कितने डेज में करेगी तो बहुत ही सिंपल है यहां से आपको डिराइव करना है फाइव स्किल्ड वर्कर इन ट्वेंटी डेज मतलब फाइव स्किल्ड वर्कर का पर डे वर्क है तो क्या यहां से हम वन स्किल्ड वर्कर का पर डे वर्क पता कर सकते हैं तो वन स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी इंटू फाइव जिसको आप ये भी बोल सकते हैं वन बाय हंड्रेड ये हमें वन स्किल्ड का आ गया उसी तरह एट सेमी स्किल्ड वर्कर का इन्होंने दे रखा था वन बाय ट्वेंटी फाइव

एक सेमी स्किल्ड एक अनस्किल्ड uh, और एक स्किल्ड वर्कर की वैल्यू निकाल ली अब टीम में कितने लोग थे टीम में अगर आप देखें तो सेमी सॉरी स्किल्ड स्किल्ड वाले वाले कितने थे तो वाले थे दो, तो 100, तो दो एक स्किल की वैल्यू है वन बाय हंड्रेड तो दो स्किल की वैल्यू क्या होगी टू बाई हंड्रेड ओके ये दो स्किल्ड का पर डे वर्क है ओके okay? फर्दर इन्होंने सेमी स्किल्ड की बात करें तो छह सेमी स्किल्ड थे

ियसली फिफ्टीन डेज यही आपका आंसर है बिल्कुल exactly यही सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल आपको दे रखा था okay? तो मैंने क्यों दिया था वो क्वेश्चन क्योंकि इस तरह के question गेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं easy सा क्वेश्चन वो क्या है ये है इफ नाइन मंकीज इट नाइन बनाना मिनट्स उ मनीज विलीड फोर्टी फाइव बनाना इन फोर्टी फाइव मिनट्स अगर नौ मंकी सर एट और एस मतलब अनुष्ठ क्या पूछ रहे अनुष्छ पूछ रहे बाकी सबका तो आंसर आ गया एट और एस क्या पूछ रहे हो अनुष कुछ तो पूछ रहे होके तो अगर नौ मंकी नौ बनाना को नौ मिनट में खाते हैं पिछले स्लाइड में पिछले स्लाइड में क्या था यह था ये एट है या एस है ये पूछ रहे हैं आप ये वाला एट है ये आगे एस है क्योंकि यहां दिया था ना एट सेमी स्किल्ड वर्कर वही एट सेमी स्किल्ड की वैल्यू है क्लियर है मानसी कह रहे हैं फोर्टी फाइव है, 45 है। ये वाला क्लियर है मानसी सौरभ क्लियर है वेरी गुड अनुष को क्लियर है सोनू तो को क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड तो सुपर तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये कहा था कि अगर नाइन मंकीज नाइन बनाना को यस मानसी यस आर्यन तो नाइन मंकीज नाइन बनाना अगर नाइन मिनट्स में खा रहे हैं तो कितने मंकीज को मिनट्स में खाएंगे तो मानसी का आंसर 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 आया था सौरभ का है, 25. केवल का है है केवल मंकीज ही खा लेंगे प्रांजलि का भी आंसर है नाइन मंकीज ही प्रतीक्षा ऑल्सो नाइन मंकीज तो माय डियर फ्रेंड यहां पे पहले इस चीज को समझते हैं क्वेश्चन को समझिए अगर आप तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है डेटा नाइन मंकीज ईट नाइन बनाना इन नाइन मिनट्स नौ मंकी नौ बनाना नौ मिनट में खाते हैं। इसकी मीनिंग क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है वन मंकी ईट वन बनाना इन नाइन मिनट्स एक मंकी एक बनाना को नौ मिनट में खाता है तभी नाइन मंकीज हैं. सबके हाथ में वन वन बनाना है तो ये पूरा नाइन बनाना ये लोग नाइन मिनट्स में खा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए देर इज अ कॉन्सेप्ट एस चेन रूल अब समझते हैं ये चेन रूल क्या है चेन रूल क्या है बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग वापस आएंगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी नंबर का एनी नंबर थर्टी टू परसेंट इज सिक्सटी नाइन देन वॉट विल बी फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द सेम नंबर किसी थर्टी टू परसेंट अगर सिक्सटी नाइन है तो उसी नंबर का फोर्टी नाइन परसेंट क्या होगा तो माय डियर फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या कह देते हैं फॉर्मूला तो नहीं है ये फॉर्मूला नहीं है ये डिराइव किया गया है ये डिराइव किया गया है इसी चेन रूल से ही ओके समझते यहाँ पे मैं कह रहा था कि इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए क्या यहाँ पे सौरभ हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं मेन इन टू डेज इन टू आवर्स बाय वर्क कुछ कर सकते हैं क्या सोनू तो कह रहे हैं डोंट नो सर कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ओके okay. और राजश्री का भी कहना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हिमा आंसर दे रहे हैं नाइन शायद पिछले क्वेश्चन का इसके लिए नहीं है फार्मूला भाई वो फार्मूलाज कहाँ से आया वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे ओके okay, फार्मूला देखते ही आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो हमने ये पढ़ा था इसीलिए ये लोग ये लिखे लिखेटिंग में सौरभ तो चलिए समझते हैं मैं बात कर रहा था कि ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं वो नंबर एक्स है और हम लोग लिखते हैं कि थर्टी टू परसेंट ऑफ द नंबर मतलब एक्स इज गिवन एज सिक्स ये गिवन है अब ये लोग पूछे क्या फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द नंबर तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ये थर्टी टू परसेंट को उधर भी जाएंगे तो क्या होगा सिक्सटी नाइन इंटू हंड्रेड बाई थर्टी टू मतलब एक्स मतलब ये नंबर आया हमें नाउ दे आर नॉट आस्किंग द नंबर ये लोग क्या पूछे फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द नंबर तो फिर हम लोग इसमें दोनों तरफ फोर्टी नाइन परसेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ एक्स ज इक्वल टू फोर्टी नाइन परसेंट मीन बाई हंड्रेड इंट सिक्स इंटू हंड्रेड बाई फोर्टी आ जाएगा नो डाउट करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चेन रूल कहता है कि हियर फर्स्ट यू आर फाइंडिंग आउट वॉट इज द नंबर देन यू आर फाइंडिंग आउट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द नंबर जब इन्होंने पूछा ही नहीं है वॉट इज द नंबर वाई टू वेस्ट अवर टाइम इन फाइंडिंग आउट वट इज द नंबर जब इन्होंने नंबर पूछा नहीं तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंट करने के लिए तो फिर चेन रूल सॉल्व कैसे करता है समझते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास डेटा में दो कॉलम दिया गया है एक है परसेंटेज कॉलम दूसरा है नंबर कॉलम किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है दोनों में से किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है परसेंटेज कॉलम में या नंबर कॉलम में सौरभ का कहना है नंबर कॉलम में ललित का कहना है नंबर कॉलम में वेरी गुड वेरी गुड नेचर का कहना है नंबर कॉलम में मानसी सेकंड में अच्छा नंबर कॉलम में ओके okay, ओके okay, आलोक दीपू एवरी वेरी गुड तो जिस कॉलम में जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है वो हम पहले लिखेंगे तो इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो इसमें जो भी वैल्यू दिया है दैट वैल्यू विल राइट फर्स्ट 69 हमने पहले लिख दिया नो प अल्टीप्लीकेशन साइन एंड स्टार्ट थिंकिंग क्या सोचना है आपको हाउ टू गेट द आंसर नहीं नहीं वो नहीं सोचना हाउ टू गेट द आंसर आपको ये समझना है है कि, कि किसी नंबर का 32 अगर तो उसी फोर्टी नाइन परसेंट सिक्सटी नाइन से ज्यादा होगा या कम होगा मोर या लेस आंसर मुझे इतना बताइए किसी नंबर का थर्टी टू परसेंट अगर सिक्सटी नाइन है तो उसी नंबर का फोर्टी नाइन परसेंट सिक्सटी नाइन से मोर होगा, तो होगा या लेस होगा तो अनुष सौरव आलोक बोल रहे हैं मोर होगा फिर सोनू कह रहे हैं कि लेस होगा ललित कह रहे हैं लेस होगा वेरी गुड समझते हैं समझते हैं मोर और लेस दोनों समझते हैं ललित मान लीजिए कि आपने और मैंने दोनों मिलके दोनों एग्जाम दिए एक कॉमन एग्जाम दिए अब ललित आपको थर्टी टू परसेंट मार्क्स आया और मुझे 49 परसेंट मार्क्स आया आपका मार्क्स टोटल 69 है तो मेरा मार्क्स सिक्सटी से ज्यादा है या कम है ललित सोनू अदर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना तो और अब कह रहे हैं इतना यस संदीप ललित पूछ रहे हैं कितने में से वही तो नहीं पता हमें कितने में से <laughs> सिर्फ हम लोग यहां से कंपेयर कीजिए टोटल जितने में से भी है जितना आपका टोटल मार्क्स है उतना ही मेरा भी टोटल मार्क्स होगा क्योंकि दोनों एक कॉमन एग्जाम लिख रहे हैं ओके ललित चलिए ललित हम लोग दोनों के पास फिक्स पैसा है ओके okay, कुछ अमाउंट है कितना अमाउंट है वो नहीं पता लेकिन दोनों के पास सेम पैसा है आप अपना थर्टी टू परसेंट पैसा खर्च करते हो मतलब आप सिक्सटी नाइन रुपीज खर्च करते हो मैं अपना फोर्टी नाइन परसेंट पैसा खर्च कर रहा हूं तो क्या मैं सिक्सटी नाइन रुपीज से ज्यादा खर्च कर रहा हूं या कम ललित बोल रहे फिर ठीक है अच्छा पैसे की बात है तो ठीक है यस सोनू मोर होगा ज्यादा कर रहे ना तो कि किसी नंबर का थर्टी टू परसेंट अगर सिक्सटी नाइन है उसी नंबर का फोर्टी नाइन परसेंट सिक्सटी होगा क्योंकि परसेंटेज तो yes, so no, yes, तो मतलब यहां मोर वैल्यू है फोर्टी नाइन और लेस वैल्यू है थर्टी टू मोर लेस लिखिए रीच डायरेक्टली टू द आंसर इफ यू फील दैट योर आंसर शुड बी मोर राइट मोर लेस और इफ यू फील फॉर योर फीलिंग रॉन्ग आंसर तो आपका अगर सोच गलत है तो आंसर गलत होगा तो so, सोच को आपको सही करना होगा आरगेटिंग मी सही से समझ के बिफोर राइटिंग मोर बाय लेस या लेस बायोर आपको ध्यान से समझ के करना होगा क्या कह रहे हैं अच्छा ऐसी बात है क्या <laughs> सर गेट वाला में पेड़ बैच में जनरल एप्टीट्यूड कब स्टार्ट होगा विनय का पूछना है सर कब स्टार्ट होगा कब स्टार्ट होगा जल्दी होगा जल्दी होगा शेड्यूल में कब दिया है विनय विनय शेड्यूल में कब दिया है मुझे शेड्यूल नहीं मिली है आप लोग के पास शेड्यूल होता है आप लोग सारा शेड्यूल रखते हो कि कब कौन सी क्लास होने वाली आप लोग को ज्यादा पता है मुझसे बताइए विनय कब है मैं भी जानना चाहूंगा गेट वाला पेड बैच में मेरी क्लास कब है मंडे से फ्राइडे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है ओके okay, वीकडे बैच में ऑलरेडी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में और कौन से बैच में जानना है आपको क्या बात है विनय नित्यम कह रहे हैं मैंने पेड लिया है फिर भी मैं अटेंड कर रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल देखिए ज्ञान कहीं भी मिले बटोर लेना चाहिए ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान खरीदना ही है या ज्ञान यहीं से लेना है जहां भी मिल जाए ज्ञान बस बटोर लीजिए जमा कर लीजिए क्या दिक्कत है सीमा का पूछना है सटे सीरीज कब आएगा ये भी बहुत जल्दी आएगा देखिए मेरे ही हर क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं उसका आंसर बस इतना ही है बहुत जल्दी तो क्वेश्चन जो है आप सोच के पूछिए कि इसका आंसर जो है सर बताएंगे बहुत जल्दी आएगा गौरव पूछ रहे हैं सर एप्टीट्यूड की कौन सी बुक ले ले बहुत जल्दी ले लीजिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है एप्टीट्यूड के लिए आप अगर गेट के लिए स्पेसिफिक बोलते हैं तो अरुण शर्मा या अरियंत पब्लिकेशन के जा सकते हैं नहीं तो शौविक थोरपे की बुक है ये आपका पियर्सन पब्लिकेशन है ओके अभिजीत गुहा की बुक है अरुण शर्मा की बुक है बहुत तो सारे बुक्स हैं जो आर एस अग्रवाल से थोड़ा हाई लेवल के कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शायद सितंबर में है बिल्कुल बिल्कुल नित्यम बहुत जल्दी है सौरभ तो क्वेश्चन क्वेश्चन करवाना है बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ ही करेंगे हम लोग नित्यम कह रहे हैं आप भी बुक बना लो हाँ अभी क्लास ले रहा हूं फिर डी बनाओ फिर आप लोग के लिए बुक भी लिख दू हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग के लिए आप बोलो तो सही मैं आके एग्जाम भी लिख दूंगा ओके आप लोग के लिए कुछ भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको आंसर मोर चाहिए तो आपको मोर बाय लेस लिखना है लेकिन अगर आपको आंसर लेस बनाना है तो लेस बाय मोर लिखिए क्योंकि एक बात समझिए क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एप्टीट्यूड मतलब आपको वजह जानना है जैसे एक नंबर आप लीजिए इस नंबर को अगर आप मोर बाय लेस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियस है ये नंबर जो है वो इंक्रीज होगा बढ़ेगा सेम नंबर को जब आप लेस बाय मोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो नंबर ऑब्वियसली डिक्रीज होने लगेगा कम होने लगेगा तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कैसा बनाना चाहते हैं मोर मींस मोर बाय लेस लेस मीन्स लेस बाय मोर ए आई आर हंड्रेड में आना इजी है क्या बिल्कुल इजी है बिल्कुल इजी है एक बात ध्यान दीजिएगा मैंने पहले और हर बार आप लोगों को बताया है कि खुद पे भरोसा रखिए मेहनत करते रहिए खुद पे भरोसा रखिए बिल्कुल आसान है जितने भी ये लोग सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक ला रहे हैं ना बच्चे आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि वो लोग डिस्टिंक्शन होल्डर थे पढ़ने में बहुत अच्छे थे बहुत तेज थे तभी आया माय डियर फ्रेंड उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी लगातार एक प्लानिंग किया उसे एग्जीक्यूट किया और वैसे पढ़े मेहनत करते रहे प्रैक्टिस करते रहे हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जीनियस बच्चों को ही सिंगल डिजिट डबल डिजिट आता है एवरेज स्टूडेंट्स को भी आता है सिर्फ मेहनत करते रहना है ओके okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हम लोग दिख रहे थे नाइन मंकीज इट नाइन बनाना इन नाइन मिनट्स इस क्वेश्चन में समझिए कि हमारे पास तीन एंटिटी है यहां पे एक तो हो गया मंकीज फर्दर हो गया बनानास और टाइम इन्होंने दे दिया है मिनट्स में ओके okay? सबसे पहले इन्होंने कह दिया कि नाइन मंकीज इट नाइन बनानाज इन नाइन मिनट्स ये इन्होंने दे दिया फिर इन्होंने क्या पूछा देन हाउ मेनी मंकीज मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क है वैल्यू मिसिंग है विल ईट फोर्टी फाइव बनाना इन फोर्टी फाइव यही ये क्वेश्चन ओके okay, तो मूविंग फॉर्दर यहां पे ये तीन कॉलम में किस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है ऑब्वियस तो है मंकी तो कॉलम में वैल्यू मिसिंग है गौरव कह रहे हैं बैकलॉग हो गया है Patch में मैथ सब्जेक्ट का सेमेस्टर वर्क की वजह से अच्छा में आपको आ गया। Back, में भी आता है। ऐसा क्योंकि आंसर तो नहीं, नहीं है समझते हैं फर्स्ट कॉलम में वैल्यू मिसिंग है मंकी कॉलम में वैल्यू मिसिंग है वेरी गुड सौरभ तो मंकीज जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है वो हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है नाइन तो ये वाला नाइन हम पहले लिख दिए मल्टीप्लीकेशन साइन अब इस कॉलम को वन बाय वन दूसरे कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा आंसर नाइन से मोर होगा या नाइन से लेस होगा बाय कंपेयर करना है सारे एक साथ नहीं एक एक करके कंपेयर कीजिए मान लेते हैं पहले हम बनाना से कंपेयर करते हैं सिर्फ बनाना से टाइम को भूल जाइए मिनट्स को भूल जाइए यहां पे मैं खड़ा हो गया हूं ये कॉलम है ही नहीं भूल जाइए सिर्फ बनाना से कंपेयर कीजिए नाइन बनानास खाने के लिए नाइन मंकीज की जरूरत है तो फाइव बनाना खाने के लिए नाइन से ज्यादा मंकीज की जरूरत होगी या कम बस इतना ही बताइए तो तो का कहना है मोर तो मोर चाहिए तो हम क्या करेंगे मोर लेस लिखेंगे अब इन दोनों में मोर वैल्यू कौन सा है? 45 फाइव तो लेस 45 मतलब मल्टीप्लीकेशन अब ये बनाना कॉलम को भूल जाइए तग्निका सिंह मोर विजय मुरली सोनू नर्वस दीपू नर्वस दीपू अच्छा नर्वस अलग नाम है दीपू अलग नाम है दीपू आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने मुझे नर्वस दीप दीपू क्यों बुलाया नर्वस आपके पहले एक नाम आया था उसके बाद दीपू आया था नहीं तो दीपू टेंशन में आ आगे मुझे सर ने ऐसा क्यों बोल दिया गौरव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सीमा मोर चाहिए तो मोर बाय लेस हमने लिख दिया अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बनानास को भूल जाएंगे टाइम से कंपेयर करेंगे सिर्फ टाइम से कंपेयर कीजिए कोई वर्क है जिसे आपको नाइन मिनट्स में कंप्लीट करना है तो आपने क्या किया नाइन मंकीज नहीं मंकीज तो नहीं लगा सकते हैं काम पे नाइन मेन लगा दिए नौ लोग लगा दिए उस काम पे आपको पता है नौ लोग रहेंगे तो नौ मिनट में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा अब मान लेते हैं उसी वर्क को करने के लिए आपके पास पंद्रह मिनट टाइम है तो आप ज्यादा लोग लगाएंगे काम पे या कम लोग मोर या लेस तो हीलिंग बिगिंस का आंसर आ रहा है मोर लेस आ रहा है आंसर ललित का गणेश लेस, लेस, केवल लेस, एंड सौरव लेस गौरव मोर विजय लेस मानसी लेस दीपू मोर हाँ वेरी गुड आलोक लेस मोर लेस दोनों आ रहा है मैं समझ गया मोर और लेस कुछ तो आना चाहिए कुछ तो होगा मोर और लेस अच्छा चलिए समझते हैं समझते हैं आपने कभी अपने जूनियर से असाइनमेंट लिखवाया है मान लेते हैं मान लेते हैं भले ही आपने नहीं लिखाया आप लोग बहुत अच्छे लोग हो अच्छे बच्चे हो अपने जूनियर्स को सताते नहीं हो लेकिन मान लेते हैं कि आपको नौ मिनट के अंदर अंदर असाइनमेंट पूरा सबमिट करना है लिख के तो आपने नौ जूनियर्स को बुलाया कि चलो बैठ के सब लिखो तो नौ जूनियर्स जो है आपको पता है वो नौ मिनट में पूरा लिख देंगे लेकिन अचानक आपको ये मैसेज आया कि नौ मिनट नहीं आपके पास पंद्रह मिनट टाइम है तो आप और लोग लगाओगे और जूनियर्स लगा दोगे यहां काम पे या कम लोग से भी काम चलेगा अच्छा ये फोर्टी फाइव अच्छा पंद्रह नहीं है सॉरी यह फोर्टी फाइव है हां वहां जी जी आपको पैंतालीस मिनट आ गया इंफॉर्मेशन की नहीं पैंतालीस मिनट आपके पास टाइम है तो और लोग लगाओगे यहां पे अपने और जूनियर्स लगा दोगे काम पे या कम लोग ऑब्वियस है कम लोग

यस वेरी गुड वेरी गुड सुपर बिल्कुल बिल्कुल विजय ज्यादा होगा तो आप मुझे भी दे दीजिए मैं भी लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे अच्छा लगता है लिखना ललित पूछ रहे हैं सर ये कैसे हो गया नौ मंकी ही ये पैंतालीस बनाना को पैंतालीस मिनट में कैसे खा गए क्लियर है सबको वेरी गुड चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ललित ज्यादा समझने के लिए और क्वेश्चन देख लेते हैं ना ये रहा क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को हम पोल करा दें और आपको पता है कि पोल में आपको इंटीजर वैल्यू डालना होगा ओके okay? इंटीजर मतलब आपके पास पोल के लिए सेपरेट विंडो नहीं आएगा ओके okay? जब मैं पोल यहां स्टार्ट करूंगा उस समय आपको चैट बॉक्स में वो जो आंसर आ रहा है वो डालना है क्योंकि यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है ओके okay? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगा तब आप चैट में आंसर अपने अनुज कह रहे हैं सर कुछ लोग पहले से बता दिए थे नाइन मंकी कुछ लोग क्या आप भी बता दिए थे क्या दिक्कत है वेरी गुड अनुज वेरी गुड ओके चलिए तो वेरी गुड सब लोग वो कुछ लोग को भी वेरी गुड अनुज खुश वो कुछ लोग जो नौ मंकी पहले बताए थे उनको भी वेरी गुड ओके चलिए

इंटीजर में और आपकी सिक्सटी सेकेंड की टाइम पोल शुरू हो गया है आपको इंटीजर वैल्यू चैट में बताना है इंटीजर सिर्फ वैल्यू बताइएगा आगे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है दिन है आर्स है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है और हमेशा याद रखिए कि डेसिमल में अगर आंसर आ रहा है पॉइंट फाइव या उससे ज्यादा आ रहा है तो वो रिमूव करके वन इधर ऐड कर लीजिए मतलब एटीन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट सिक्स एटीन पॉइंट सेवन नाइन को आप नाइनटीन लिख सकते हैं 0.5 फाइव से कम आ रहा है अगर एटीन पॉइंट फोर नाइन एटीन पॉइंट फोर एटीन पॉइंट टू आ रहा है तो उसको एटीन लिख सकते हैं अगर डेसिमल में आ रहा होगा तो उसे राउंडेड ऑफ कर लीजिएगा इंटीजर में होल नंबर में तो ये हो गया आपका समय आंसर करने का खत्म वेरी गुड तो देखते हैं आंसर देखते हैं चलिए आंसर देखते हैं आंसर देखते हैं यहां पे तो चैट में 16 भी दिख रहा है 32 भी दिख रहा है 23 भी दिख रहा है बिल्कुल सही सौरभ तो कह रहे हैं कि सर मेरा तो नेटवर्क ही चला जाता है कि जब भी आप ये पोल देते हो ना मेरा नेटवर्क गायब हो जाता है कोई बात नहीं होता है होता है मेरे साथ भी होता था ऐसा ही नेटवर्क नहीं गायब होता था उसी दौरान जो है मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था जैसे क्वेश्चन आता था होता है बचपन में ऐसे ही होता है अच्छा सौरभ कह रहे नहीं सर सिक्सटीन आंसर है ललित करें सर पच्चीस या सोलह में से कोई एक है अब मुझे तो नहीं पता अच्छा सौरभ सही में गया था कोई बात नहीं सौरभ तो चलिए देखते हैं यहां पे समझते हैं यहां पे क्या है हमारे पास कॉलम क्या क्या दिया है मैन दिया है ओके फर्दर इन्होंने डेज भी दिया है और इन्होंने आवर्स पर डे भी दिया है ओके सबसे पहले इन्होंने दे दिया ट्वेल्व मैन फिर फिफ्टीन डेज वर्किंग एट आवर्स डेली ये इन्होंने दे दिया आप पूछे क्या है पूछ रहे हैं मेन कितने दिए नेक्स्ट इन हाउ मेनी डेज डेज पूछा है ये क्वेश्चन मार्क है नाइन मेन कैन डू द सेम वर्क वर्किंग टेन आवर्स पर डे मतलब डेज कॉलम में वैल्यू तो मिसिंग है सत्यम बोल रहे हैं सर वेरी गुड इवनिंग सॉरी फॉर लेट नो प्रॉब्लम सत्यम नो प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास की यही तो खास बात है कि कभी भी आप आ सकते हैं मैं डोर लगा भी नहीं सकता हूं कि नहीं अब क्लास

तो वो लोग इस रूम को पेंट कर देंगे पंद्रह दिन में बारह लोग इस स्टूडियो रूम को पेंट कर सकते हैं फिफ्टीन डेज में मान लीजिए इसी काम के लिए मैं नौ लोग लगाऊं, नाइन पीपल लगाऊं, तो दे विल टेक मोर देन डेज टू पेंट दिस रूम और लेस देन फिफ्टीन डेज ये मुझे बताइए बारह लोग पंद्रह दिन में करते हैं तो नौ लोग मोर डेज में करेंगे वेरी गुड वेरी गुड मोर डेज में करेंगे एग्जैक्टली exactly. मोर आंसर होना चाहिए तो मोर चाहिए मतलब मोर बाय लेस मतलब ट्वेल्व बाय नाइन हो गया मल्टीप्लिकेशन अब कंपेयर करते हैं आज से आज से कंपेयर करते हैं रोज अगर आपके आठ घंटे की क्लास लगेगी अगर आठ घंटे रोज आप क्लास अटेंड करोगे तो आपका गेट का सिलेबस पंद्रह दिन में खत्म हो जाएगा रोज आठ घंटे की क्लास पंद्रह दिन में पूरा सिलेबस खत्म मान लेते हैं आप रोज दस घंटे की क्लास अटेंड करो तो सिलेबस खत्म करने के लिए पंद्रह से ज्यादा दिन लगेंगे या कम लगेंगे रोज आठ घंटे आप पढ़ रहे हो पंद्रह दिन में सिलेबस खत्म कर दे रहे हो अगर रोज आप दस घंटे पढ़ते तो पंद्रह से ज्यादा लगता टाइम पंद्रह दिन से या कम लगता सिलेबस खत्म करने के लिए कम लगता लेस लगता तो वेरी गुड तो आपको लेस आंसर चाहिए मतलब लेस बाय मोर मतलब एट बाय टेन उसके बाद बहुत ही सिंपल है कैंसिलेशन अगर मैं गलत नहीं हूँ फाइव टू झा फाइव थ्री झा ओके थ्री वन झा थ्री थ्री झा नाइन ओके थ्री वन झा थ्री फोर जा ट्वेल्व टू वन जा टू 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 जा फोर तो हमारे पास क्या बचा एट टू जा सिक्सटीन बचा सोलह तो यहाँ पे सोलह दिन हमें लगेंगे सिक्सटीन डेज लगेंगे देखते हैं ऑप्शन में कितने लोगों ने सिक्सटीन डाला है यहाँ पे लेटेस्ट चेक इट आउ सोलह नाइन्टी परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है नाइनटी परसेंट लीडर बोर्ड आप देखना चाहेंगे बिल्कुल सर किसका नाम टॉप तो पे आने वाला है ललित अच्छा ललित अभी बता रहे हैं सर मैं तो अभी बताया सोलह आप कैसे मतलब लीडर बोर्ड में टॉप पे मेरा आंसर कैसे आ सकता है अनुष श्याम को आ रहा है नाम हाँ सीमा हो सकता है लेट हो गए सिद्धार्थ कोई बात नहीं गौरव बता रहे हैं सर मेरा नेटवर्क चला गया था कोई बात नहीं नाम नहीं आएगा मतलब वो कंफर्म बता रहे हैं साइंटिस्ट का कहना है सर शाम आएंगे साई गणेश का कहना है बीजी आएंगे मतलब सब लोगों को दूसरों पे भरोसा है खुद पे किसी को भरोसा नहीं है कि मेरा नाम आएगा सर आप टेंशन मत लीजिए मैं आ रहा हूं आ? देखते हैं बीजी क्या बात है क्या बात है साई गणेश युवा करेक्ट सबसे टॉप पे बीजी है उसके बाद अनुष कह रहे हैं सिक्स में मैं हूं फोर्थ में ही आप अनु फोर्थ में ही आप सबसे टॉप पे बीजी हैं सेकंड पे बिकी हैं थर्ड पे श्याम हैं फोर्थ पे अनुष पे सिद्धार्थ और सिक्स पे सगनिका वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर ओके तो चलिए मूविंग फॉर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो सबको समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्या बोलते हैं सरजी बोलते हैं या दर्जी बोलते हैं हिंदी में टेलरस को मेरे ख्याल से दर्जी बोलते होंगे सरजी नहीं बोलते हैं कुछ लोग मास्टर साहब बोल देते हैं ओके तो बारह दर्जी पंद्रह कमीज को रोज के आठ घंटे के हिसाब से छप्पन दिन में सिलते हैं देन फिफ्टीन टेलर कैन स्टिच एटीन शर्ट वर्किंग सिक्स आवर्स डेली इन हॉमनी डेज तो पंद्रह दर्जी अठारह कमीज को रोज के छह घंटे के हिसाब से कितने दिन में सिलेंगे सरकार का कहना है नमस्ते नमस्कार वेरी गुड इवनिंग सोनू कह रहे नाम किसी का हो कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर है वेरी गुड सोनू ये हुई ना बात कह रहे मैंने ट्राई तो किया था अब आ गया ऊपर मैं क्या करूं ओके वेरी गुड वेरी गुड तो चलिए चलिए तो इसका पोल स्टार्ट कर देते हैं हम वही इंटीजर टाइप होगा तो ऑब्वियस है पोल स्टार्ट करने के लिए सिक्सटी सेकेंड में टाइम दे रहा हूं इंटीजर टाइप एंड द पोल स्टार्ट नाउ आप लोग बोल रहे होंगे कि पहले सर की क्लास में अच्छा रहता था सर पोल कराने वक्त यहाँ पे ऑप्शन भी देते थे हम लोग ऑप्शन से ढूंढ लेते थे आजकल सर अलग से परेशान किए हुए हैं ऑप्शन देते ही नहीं हैं इंटीजर सारे एन वाले ही आ रहे हैं गेट एग्ज़ाम में क्या एप्टीट्यूड में सर आजकल ऐसा कर रहे हैं देखिए दोनों हमें समझना होगा एन हो या एम हो दोनों हमें समझना होगा आई थिंक टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट और ये समय खत्म होता है अब तो चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है सबसे पहले यहाँ पे कॉलम्स क्या दिया है टेलर्स फिर क्या दिया है? शर्ट्स फिर क्या दिया आर्स पर डे और एक और कॉलम डेज इतने सारे कॉलम इन्होंने दे दिए सबसे पहले कह दिए बारह टेलर फिफ्टीन शर्ट एट आवर्स डेली इन फिफ्टी सिक्स डेज ये इन्होंने दे दिया नेक्स्ट कितने टेलर्स हैं नेक्स्ट 15 टेलर्स 18 शर्ट्स आवर्स डेली हाउ मेनी डेज राइट यही था अब इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उस कॉलम में जो भी वैल्यू दिया है, वो हम पहले लिख दिए फिफ्टी सिक्स इन टू अब एक एक करके इस कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा आंसर 56 से मोर होगा या 56 से लेस होगा वन बाय वन कंपेयर करेंगे आप पहले शर्ट से कंपेयर कीजिए फिर आज से फिर टेलर से या पहले टेलर से फिर शर्ट से फिर आज से आप कैसे भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि तो बीच में आप मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हो आप टू इंटू थ्री लिखिए या थ्री इंटू टू लिखिए आपको सेम आंसर आएगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो तो चलिए पहले आज से कंपेयर कर लेते हैं रोज एट आर्स की पढ़ाई करेंगे तो छप्पन दिन में सिलेबस खत्म रोज छे घंटे पढ़ाई करेंगे तो फिफ्टी से ज्यादा डेज लगेगा या कम डेज लगेगा सिलेबस खत्म करने के लिए मुझे बताइए एट आवर्स की रोज पढ़ाई फिफ्टी सिक्स डेज में सिलेबस खत्म होता है सिक्स आवर्स की रोज पढ़ाई तो मोर डेज लगेगा या लेस डेज तो मानसी का कहना मोर डेज लगेगा बिकी मोर साइंटिस्ट मोर संदीप मोर आलोक मोर सोनू मोर वेरी गुड मोर आंसर चाहिए तो मोर बाय लेस एट बाय सिक्स यहाँ पे मोर वैल्यू एट है लेस वैल्यू सिक्स है मल्टीप्लीकेशन अब डेज को कंपेयर करते हैं शर्ट से सिर्फ शर्ट से कंपेयर कीजिए फिफ्टीन शर्ट स्टिच कराने में फिफ्टी सिक्स डेज लगते हैं फिफ्टीन शर्ट को स्टिच करने में टोटल फिफ्टी सिक्स डेज लगते हैं मान लीजिए मुझे 18 शर्ट स्टिच कराने हो तो फिफ्टी सिक्स मोर डेज लगेगा या लेस डेज लगेगा मानसी का कहना मोर साई गणेश कह रहे मोर सरकार कह रहे मोर सोनू मोर बिक्की मोर वेरी गुड फिर मोर चाहिए आपको आंसर तो मोर मीन मोर बाय लेस तो यहां मोर वैल्यू है एटीन लेस वैल्यू है फिफ्टीन एटीन बाई फिफ्टीन मल्टीप्लीकेशन अब कंपेयर करते हैं टेलर से टेलर से कंपेयर कीजिए पैरा लोग मिलकर इस रूम को पेंट कर सकते हैं 56 डेज में मान लीजिए ये रूम को पेंट करने के लिए मैं पंद्रह लोग लगा दूं तो वो लोग 56 से मोर डेज में करेंगे या लेस डेज में सरका का कहना है नहीं सर लेस डेज में हो जाएगा मानसी कह रहे हैं लेस साई गणेश लेस सीमा लेस आलोक लेस बिकी लेस लेस चाहिए तो लेस मींस लेस बाय मोर तो लेस वैल्यू यहां 12 है

कितना आ रहा है? अच्छा सर आप ही कैलकुलेट कीजिए बोलिए बोलिएट सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स एट वेरी गुड एक्सीलेंट सुपर मार्वलस जीनियस एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं बोला मैंने आपके कैलकुलेटर के लिए बोला जिसने आपको यह आंसर बताया यस साई गणेश आलोक श्याम तो 71.6 है मैंने कहा था 0.5 या उससे ज्यादा होगा तो एक बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे ओवरऑल इंटीजर में बात करें तो 72 बनता है देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने 72 आंसर किया है मुझे पता है कि किसी ने नहीं किया होगा ये रहा 12 चलिए मेरा भरोसा तो आपने भले ही 12% तो किया मुझे तो लग रहा था किसी ने भी नहीं किया होगा तो ट्वेल्व में वो कौन लोग हैं कौन है वो लोग जो लीडर बोर्ड में आ रहे हैं इस बार भी तो देखते हैं लीडर बोर्ड को सबसे पहले आई ए के वन टू थ्री क्या बात है नाम भी अच्छा है और सबसे ऊपर भी हैं तो काम भी अच्छा है वेरी गुड सेकंड पे है साई गणेश वेरी गुड सुपरब साई गणेश इंतजार कर रहे थे कि इस बार तो अपना नाम आना ही है डन क्लियर है सबको सेवेंटी वन किए थे शाम मैंने बोला था ना सर आप चेंज करके देखिए सेवेंटी वन कीजिएगा मेरा नाम भी आएगा अब नहीं होगा ना ओके <laughs> okay, तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आई थिंक चेन रूल आप लोगों को समझ में आने लगा है तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लीकेट करते हैं यस yes, अनुष थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लीट कर रहे हैं सिर्फ मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लीकेट कर रहे हैं एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ईजी है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ए हॉस्टल विथ सिक्स स्टूडेंट्स एक हॉस्टल है जिसमें छे बच्चे हैं हैड सफिशियंट फूड फॉर टू डेज मतलब एक हॉस्टल जिसमें 600 बच्चे हैं उनके पास 210 दिन का प्रोविजन है खाना है ओके राशन है आफ्टर 30 डेज 240 फोर्टी स्टूडेंट्स लेव द हॉस्टल 30 दिन के बाद 240 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए प्रांजलि पूछ रहे हैं 71.68 72 डेज ऐसा किया सेवेंटी टू डेज ऐसा सर ने हाँ बिल्कुल वैसे ही किया मैंने मैंने कहा ना सेवेंटी वन पॉइंट में फाइव या फाइव से ज्यादा होगा तो इधर वन की जगह एक और वन इधर ऐड करके लिखेंगे हम फ्रांजली सर अनुष्का कह रहे हैं सर ब्लर हो गए सर ब्लर हो गए या स्क्रीन ब्लर हो गया अनुष सर ब्लर हो गया या स्क्रीन ब्लर हो गया तो चलिए यहां पे समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि 600 बच्चों का 210 दिन का खाना था हॉस्टल में आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद क्या हुआ टू फोर्टी स्टूडेंट लेव द हॉस्टल मतलब दो सौ चालीस बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए नाउ द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज अब ये बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा बचा हुआ खाना मतलब राशन है ये मत बोलिएगा सर खाना खराब हो गया इतने दिन में उठा के फेंक दिए बना हुआ नहीं है वो राशन की बात हो रही प्रोविजन की बात हो रही है तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है यहां पे तो पोल स्टार्ट कर देते हैं तो इंटीजर टाइप सिक्सटी सेकेंड्स पोल स्टार्ट नाउ पोल इज अबाउट टू एंड और आपका ये टाइम खत्म होता है अब वेरी गुड तो चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है सिर्फ एक ने सबसे शुरुआत में और आंसर जो है वो है तीन सौ और उनका नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो उनका नाम रहा स्क्रीन पे ये शुभम मौर्य शुभम मौर्य ने ही सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है बाकी सबने गलत आंसर दिया है सर ऐसे दुखी मत करो सर चलिए समझते हैं क्यों क्या गलती कर दी हम लोगों ने क्यों ऐसा आया आंसर देखते हैं समझते हैं सबसे पहले ए हॉस्टल विथ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में छह बच्चे थे और इनिशियली शुरुआत में कितने दिन का खाना था 210 दिन का खाना था शुरुआत की बात हो रही है ये ओके okay. विजय मैं मजाक नहीं कर रहा हूं वो रियलिटी है तो बम ही सिर्फ वो शख्स है जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है ओके okay, समझिए यहाँ पे 600 स्टूडेंट का 210 दिन का खाना था हॉस्टल में शुरुआत में ओके okay, फिर मैंने कहा आफ्टर थर्टी डेज तो जैसे मैं कहा आफ्टर थर्टी डेज इसका मतलब तीस दिन का खाना खत्म हो गया अरिगेटिंग जैसे मैं कहा आफ्टर थर्टी डेज इसका मतलब थर्टी डेज का फूड खत्म हो गया ऐसा तो नहीं कि थर्टी डेज वो लोग फास्टिंग कर रहे थे नवरात्रि कर रहे थे या रोजा रखे थे नहीं खाना तो खाए होंगे तो थर्टी डेज के बाद का सिचुएशन अगर हम देखें तो अगर 600 बच्चे ऐसे ही रहते तो कितने दिन खाते 180 डेज खाते क्योंकि 210 में से 30 डेज का वर्क खत्म हो चुका है 600 बच्चे 180 दिन खाते इतना खाना बचा हॉस्टल में 30 दिन के बाद और जब 600 बच्चों का 180 दिन का खाना बचा था उस सिचुएशन पे कुछ बच्चे छोड़ के गए कितने छोड़ के गए दो सौ चालीस बच्चे छोड़ के गए तो छे सौ में से टू फोर्टी चले गए तो अब कितने बच्चे होंगे थ्री सिक्सटी स्टूडेंट इसी रिमेनिंग फूड को कितने डेज खाएंगे यही तो क्वेश्चन है थर्टी डेज का वर्क पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया क्योंकि थर्टी डेज के बाद का सिचुएशन ये लोग बता रहे हैं कुछ चेंजेस में तो पहले तीस दिन का काम ये छह सौ बच्चे जो है कंप्लीट किए तीस दिन वाला काम दो सौ दस में से तीस दिन का काम खत्म कर दिया अब छे सौ बच्चों का एक सौ अस्सी दिन का काम बचा है छह बच्चों का एक दिन का खाना खाना भी यहाँ पे काम ही है मेरे जैसे लोगों के लिए तो काम ही है और सिचुएशन पे जब इतना काम रिमेनिंग था इतना फूड रिमेनिंग था उस सिचुएशन पे दो बच्चे चले गए तो 360 सौ बच्चे इसी रिमेनिंग वर्क को या यही रिमेनिंग फूड को कितने दिन खाएंगे यही तो क्वेश्चन है इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है इस कॉलम में बस इतना ही हमें डेटा चाहिए इसी से शॉर्ट आउट होगा डेज कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो उसमें जो भी वैल्यू वो मैंने पहले लिख दिया वन एटी अब 600 लोग अगर 180 एटी डेज खा रहे थे लोग कम है तो ज्यादा दिन खा सकते हैं मोर डेज खा सकते हैं यानी तो 600 लोग किसी काम को 180 दिन कर रहे थे अगर एम्प्लॉयज में कम कर दूं तो वो काम ज्यादा दिन में होगा तो मोर चाहिए आंसर आपको तो मोर बाय लेस मतलब 600 हंड्रेड बाई थ्री सिक्सटी वन एटी वन झा एटी टू झा टू वन झा टू थ्री हंड्रेड मतलब रिमेनिंग फूड विल बी कंप्लीटेड इन थ्री डेज नाउ द रिमेनिंग फूड अब जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन में खत्म होगा तो अब जो रिमेनिंग फूड है वो तीन सौ दिन में खत्म होगा मानसी सिंह गुड क्वेश्चन वाओ थैंक यू देखिये गुड क्वेश्चन तभी होता है ना जब मुझसे नहीं बनता है मुझसे बन गया तो ये तो बहुत बेकार वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसा है क्या बोल रहे अच्छा क्वेश्चन का लेवल गुड मजा आया तो चलिए और मजा लेते हैं और मजा लेते हैं मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में ऑप्शन में ये लोग 300 भी देते हैं भी देते हैं 180 भी देते हैं 120 भी देते हैं 330 भी देते हैं मतलब ये सारे नंबर देके आपको जंबल करके कंफ्यूज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा अगर ये पूछे नाउ द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर मेनी डेज तो नो no डाउट आपका आंसर थ्री हंड्रेड डेज बिल्कुल सही है लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल फूड रैन फॉर दिन चला टोटल फूड रैन फॉर मेनी डेज तो क्या बताइएगा पूरा खाना कितने दिन चला तो इस केस में आंसर क्या होगा रिमेनिंग फूड तो 300 दिन चला अगर हम पूरे खाने की बात करें तो ये पूरा खाना कितने दिन चला थ्री थर्टी डेज अनुष फोर एटी कहां से आ गया थ्री थर्टी होगा ना पीछे जो तीस दिन खत्म हुआ है वो भी ऐड कर देंगे ना अनुष यस yes, सिद्धार्थ यस yes, साई गणेश यस yes, केवल सोनू तो कहां से होगा पीछे जो तीस दिन का खाना खत्म हुआ है वो भी 30 दिन ऐड हो जाएगा ना सोनू यस अनुष थ्री थर्टी नौ आदित्य थ्री थर्टी ओंकार सुशांत श्याम बिक्की मानसी आदित्य विजय वेरी गुड तो थ्री थर्टी डेज यहां पे आपका आंसर होगा अगर ये लोग पूछते हैं पूरा खाना कितने दिन चला यस yes, सोनू no. लेकिन अगर ध्यान से सुनिए यस yes, ललित अगर ये लोग पूछ दिए फूड रैन फॉर एक्स्ट्रा हाउ मेनी डेज खाना एक्स्ट्रा कितने दिन चला तो अगर एक्स्ट्रा डेज की बात हो तब क्या आंसर होगा तो एक्स्ट्रा डेज की बात हो तो ये खाना 300 सौ दिन चलना था और चल कितने दिन रहा है 300 दिन मतलब एक्स्ट्रा कितने डेज चल रहा है तो एक्स्ट्रा वन डेज तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या पूछा है टोटल फूड पूछा है थ्री थर्टी डेज रिमेनिंग फूड पूछा है थ्री हंड्रेड डेज एक्स्ट्रा कितने डेज चल रहा है तो आपका आंसर है वन ट्वेंटी डेज तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन में ये सारे वैल्यूज दिए रहते हैं इज इट क्लियर यस ओके तो चलिए गुड इवनिंग परवेज गुड इवनिंग गुड इवनिंग परवेज आ गए हैं परवेज को जल्दी नहीं आ गए कल की क्लास के लिए आज ही आ गए आप मैं तो सोच रहा था क्लास एंड करो अब आप आ गए हो तो मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्या बताऊं सर जिंदगी में और भी गम है पढ़ाई के अलावा इज इट परवेज पढ़ाई के अलावा और भी गम है ओके तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला ट्राई कीजिए ऑप्शंस भी इसमें दिया हुआ है दो तो 2023 का सेशन अभी कर रहा हूं सर अभी दो हजार क्यों पकड़ना है 2023 का, तो मतलब का सेशन कर रहे हैं तो पकड़ है। मतलब 2024 पकड़ना है मतलब नहीं समझ में आया 2023 का सेशन कर रहे हैं 2024 पकड़ रहे हैं मतलब क्यों पकड़ना है 2024 को सरकार कुछ बोलना चाह रहे थे आप मुझ तक वो बात आपकी पहुंच नहीं पाई सही से बीच में ही डेटा इधर उधर हो गया लगता है पेड बैच कब स्टार्ट हो गई ऑलरेडी येस्टरडे डे बिफोर येस्टरडे लॉन्च हुई है एक और बैच बैच बी इनिशियली फूड 210 दिन के लिए था तो 90 एक्स्ट्रा होगा हाँ हाँ नर्वस अगर आप इनिशियली की बात करें तो इनिशियली फूड आपका यहाँ पे 210 दिन का था आपको एक्स्ट्रा डेज चाहिए ना वहां से तो इनिशियली फूड 210 दिन का था टोटल फूड और टोटल फूड कितने दिन चला 330 दिन तो यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है वन ट्वेंटी डेज वही चीज आएगा आर यू गेटिंग मी नर्वस समझ में आ रहा है इनिशियली फूड दो सौ दस दिन का था क्या दो सौ दस दिन का था पूरा खाना और पूरा खाना कितने दिन चला तीन सौ तीस दिन तो एक्स्ट्रा डेज कितना है वन ट्वेंटी डेज ना यस नो नर्वस आप है नहीं है तर इसमें इंग्लिश का बैच नहीं है अच्छा अनुष आप सपोर्ट चाहिए सर मेरा सपोर्ट चाहिए परवेज बोलिए क्या सपोर्ट चाहिए अभय बोल रहे हैं सर जीए का सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस इधर उधर बिखरा हुआ है समझ नहीं आ रहा है पेड़ में नहीं दिख रहा अच्छा इधर उधर बिखरा हुआ है <laughs> समेटिए सबको समेटिए थोड़ी है कि इधर उधर बिखरा हुआ है कि एक टॉपिक वहां पे पड़ा है एक टॉपिक वहां पे पड़ा है फिर हम सबको गैदर करके एक प्ले बना रहे तो YouTube थोड़ी है पेट में बिखरा थोड़ी होगा सब आपको एक ही जगह होगा मिल जाएगा अब भाई क्यों टेंशन में आ रहे हैं हाँ परवेज बोलिए हुक्म कीजिए क्या सपोर्ट चाहिए नर्वस क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका पोल शुरू कर देता हूं क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि चालीस दिन में रोड रेडी हो जाएगा और वो पच्चीस लोग लगा दिया काम पे शुरुआत में ही और वर्क फोर डेज अर्लियर मतलब चालीस भी नहीं अब उसका टारगेट डेट सिर्फ छत्तीस ही बच रहा है okay, 36 दिन में ही उसको काम खत्म करना है तो एक्स्ट्रा और कितने लोग वो लगाएगा तो सिविल इंजीनियर्स जल्दी जल्दी बता दीजिए सर ऐसा थोड़ी हम लोग करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसे थोड़ी देखते हैं कि कितने लोग लगाने हैं नहीं देखना पड़ेगा एम है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है साठ सेकेंड का अब अब आपको ऑप्शन में ए बी सी डी बताना है चैट में यहाँ पे इंटीजर टाइप नहीं है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ए बी सी डी टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट फॉर पोल पोल का समय लगभग खत्म होने वाला है देखते हैं का किसने सही आंसर दिया है तो करेक्ट आंसर की बात अगर करें तो यहाँ पे 41 परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है ओनली 41.67 परसेंट ओके और लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है ललित क्या बात है ललित वेरी गुड वेरी गुड सुपर सेकेंड पे है साई गणेश वेरी गुड थर्ड पे है आदित्य सुपर फोर्थ पे है बिकी और फिफ्थ पे है ब्लैक सेंस और सिक्स पे है मानसी सुपर एक्स्ट्रॉर्डनरी तो चलिए मूविंग फॉर्दर समझते हैं कि ऑप्शन ए क्यों सही है कैसे है सबसे पहले तो ये चालीस दिन में इसने काम खत्म करने का वादा किया और इसने चार दिन पहले ही काम खत्म करना है मतलब इसका टारगेट डेज अब फोर्टी भी नहीं बचा टारगेट डेज सिर्फ छत्तीस दिन बचा ओके okay? पूरा काम खत्म करने का टाइम कितना है छत्तीस दिन इसने कितने आदमी लगाए इनिशियली पच्चीस लोग लगा दिए तो मेन पच्चीस लगाए थे और वो लोग कितने दिन काम किए ट्वेंटी फोर डेज वो लोग काम किए चौबीस दिन काम किए और कितना वर्क कंप्लीट किए उन्होंने सिर्फ वन थर्ड वर्क कंप्लीट किया एक तिहाई वर्क कंप्लीट किया अब कितना वर्क बच रहा है तो माइ डियर फ्रेंड अब टू थर्ड वर्क बच रहा है अभी भी टू थर्ड वर्क पेंडिंग है ओके okay? अब ये टू थर्ड वन माइनस वन बाई थ्री मतलब टू थर्ड वर्क अभी भी पेंडिंग है ओके okay, डेज कितने बचे हैं हमारे पास तो obvious है डेज में टारगेट टाइम था ट्वेंटी फोर डेज कंप्लीट हो चुके हैं अब हमारे पास सिर्फ ट्वेल्व डेज बच रहे हैं राइट अब देखते हैं यहां पे कितने मेन की जरूरत है यह हमें पता करना है ओके okay, सबसे पहले कितने मेन चाहिए तो इस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो जो कॉलम में वैल्यू मिसिंग है उसमें जो भी वैल्यू दिया है वो हम पहले लिख दिया ट्वेंटी फाइव इन टू अब वर्क से कंपेयर करते हैं थर्ड वर्क करने के लिए ट्वेंटी फाइव आदमी चाहिए टू थर्ड वर्क करने के लिए ज्यादा वर्क है ना तो ज्यादा लोग चाहिए वर्क right, हुआ है तो हमें employees चाहिए पे। तो हमें ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए पे मोर हम क्या करेंगे मोर मोर लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे टू बाई थ्री है डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री डिविजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखिएगा तो रेसिप्रोकल मतलब थ्री बाई वन मल्टीप्लीकेशन वर्क से कंपेयर हो गया अब हम लोग डेज से कंपेयर करते हैं किसी वर्क को जैसे इस रूम को ट्वेंटी फोर डेज में पेंट करना है तो हमें पच्चीस लोगों की जरूरत पड़ेगी ट्वेंटी फोर डेज में ये रूम पेंट होना चाहिए तो पच्चीस लोग लगेंगे मान लीजिए मुझे डेज़ में ये रूम पेंट रूम वेरी गुड मानसी तो मोर मोर मीन आप लिखेंगे मोर लेस मतलब ट्वेंटी फोर बाय ट्वेल्व उसके बाद वेरी सिंपल थ्री थ्री कैंसिल ट्वेल्व टू ज्वेंटी फोर तो हमारे पास क्या बचा ट्वेंटी फाइव इंटू टू इंटू टू विच इज इक्वल टू हंड्रेड मतलब यहां पे सौ लोगों की आवश्यकता है am right? तो सर जब लोगों की आवश्यकता है, तो आपने ऑप्शन बी क्यों नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि तो यहां पे इन्होंने क्या पूछा था हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही शुड एम्प्लॉय और कितने एक्स्ट्रा लोग वो लगाएगा इसको यहां पे सौ लोगों की जरूरत है ऑलरेडी उसके पास पच्चीस लोग पड़े हुए ना तो एक्स्ट्रा कितने लोग लगाएगा तो सौ में से पच्चीस हटा दीजिए ऑलरेडी उसके पास पच्चीस हैं तो बाकी और एक्स्ट्रा पचहत्तर लोग उसे लगाने होंगे दैट इज द रीजन ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन को हमेशा समझना है क्या पूछ रहे हैं वो देखना है सीधा आंसर आया तुरंत ऑप्शन की तरफ नहीं भागना है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्लियर है सबको नहीं 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 सरकार सिक्सटी ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्सटी डेज हो जाएगा सिक्सटी डेज की जरूरत ही नहीं है थर्टी सिक्स डेज ही है चालीस दिन में खत्म करना था चार दिन पहले खत्म करना है लोग आ रहे हैं उसके इनोग्रेशन के और सड़क का इनोग्रेशन करने आएंगे मंत्री लोग तो चार दिन पहले ही खत्म कर देना होगा चालीस दिन पहले वादा किया बोल दिया कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं छत्तीस दिन में खत्म कर दो और छत्तीस में ये इसने पहले ही चौबीस दिन खत्म कर दिए तो अब इसके पास सिर्फ बारह दिन बच गए हरी गेटिंग सरकार ललित क्लियर साई गणेश क्लियर मानसी क्लियर बिकी क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो माय डियर फ्रेंड और भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है लेकिन समय की अभाव की वजह से मैं आपको बता दूं कि कल मैं आप जो बोल रहे हैं ना मजा आने वाला क्वेश्चन एक मजा आने वाला क्वेश्चन मैं कल लेके आ रहा हूं पक्का आप लोगों की ये जो झील है बनाने की ये देख के मैं कल एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा हम लोग जितने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसी टॉपिक में से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे और कल की जो टॉपिक है हमारी वो तो ऑबियस है हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये थी आज की टॉपिक आप लोगों के लिए द चेन रूल आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सुरक्षित रहिए अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेहनत कीजिए और अपने एम्बिशन को अपने लक्ष्य को भूलिए नहीं लगातार डटे रहिए। थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू एवरी वन हैव अ गुड डे गुड नाइट